नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज 5 नवंबर की जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हम 7-8 काउज दिखाएंगे आपको, जिनमें कि 35 लीटर से लेके 50 लीटर तक की काउज हैं। तो ये नंबर 1 पे जो आप देख पा रहे हैं, ये थर्ड टाइमर काउ है, जो कि 50 लीटर मिल्क कैपेसिटी की है। और हाइट, बॉडी वेट, ब्रीड, तो फुल लैक्टेशन की, मतलब इसको कोई भी सेकंड टाइमर बोल के भी परचेज कर सकते हैं, बट हमने थर्ड टाइमर सारी डिटेल के साथ लिया है। ये देख लो, ये ऑर्डर की स्पेस है इसमें। और गायें अगर देखा जाए तो हर फार्मर डिमांड करता है कि फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर हमें चाहिए, पर जिन्होंने गायें फार्मों में रखी हुई हैं तो उनको ये पता होगा कि ये जो HF काउज हैं या कोई भी जो फार्मर की काउज हैं, वो थर्ड लैक्टेशन के बाद ही अपना पीक शुरू करती हैं। पीक का मतलब है कि हाईएस्ट मिल्क लाइन जो है थर्ड लैक्टेशन के बाद ही आती है, जो कि कंपटीशन होते हैं, जो भी ब्रीड में दूध में जाती हैं गायें, तो वो तीसरे लैक्टेशन से 5वें लैक्टेशन में ही हाईएस्ट दूध होता है गाय का। और गाय की एज खाली फर्स्ट सेकेंड लैक्टेशन नहीं होती, 7 लैक्टेशन 8 लैक्टेशन हर फार्मर नॉर्मल हर घर में ले सकता है। तो ये अपनी जो थिंकिंग है थोड़ी सी बदलनी चाहिए कि अगर मिल्क पे काम करना है तो फर्स्ट लैक्टेशन आप कभी मत लीजिए। अगर लंबे टाइम तक आपने सोचना है कि हाँ भाई मैं 3-4 साल रखूं, तब आप फर्स्ट लैक्टेशन लीजिए। अगर आपको दूध चाहिए कि मेरे को हाईएस्ट दूध की चाहिए, तो सेकंड थर्ड लैक्टेशन बहुत अच्छा दूध देती हैं और लंबे टाइम तक कभी भी वीक नहीं जाती। देखिए इनका लेग स्कोर देखो, कि कई बार होता है लोगों को लगता है कि थर्ड लैक्टेशन में गाय जाके बुड्ढी हो जाएगी, तो लेग स्कोर देखिए कितना अच्छा है, सेकंड टाइमर बछड़ी के जैसा लेग स्कोर है। तो अगर यंग एनिमल है, बॉडी वेट अच्छा है और ब्रीड में अच्छा है, तो मिल्क लाइन के लिए आप थर्ड टाइमर काउ ले सकते हैं। तो ये हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है। उसके बाद डेनमार्क में है 40-120 की, सेकंड टाइमर है ये भी, 35+ की है, और मान के चलो कि तकरीबन इसमें 10-15 दिन के बीच का टाइम बाकी है। और इसमें मैंने एक बात ऐसी है कि बॉडी की शाइन बहुत अच्छी है इसकी, चमक बहुत है। और जो काउस में मेन होती है कि इसमें बारीकियां बहुत हैं, बिल्कुल पतली चमड़ी की है। थनों का जो गैप है वो देख लीजिए आप कितना अच्छा है, तो मतलब थन दूर दूर लगा हुआ है, साइज बहुत अच्छा है थन का, नॉर्मल 35+ दूध देगी। तो इसके बाद जो एक और है हमारे पास, स्ट्राइकर की है सेकेंड टाइमर, ये देख लीजिए, ये भी तकरीबन 10-15 दिन में काबिंग करने वाली बच्ची, तो फर्स्ट टाइमर ही है देखने में लुक इसकी, बट डिलीवरी इसकी सेकंड टाइमर होगी, 10-15 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी वाली काओ है। सफाई बहुत है, करेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बॉडी वेट सारी काओस का एक जैसा ही आपको मिलेगा, कोई भी काओ हमारी ऐसी नहीं है जो वीक मिलेगी आपको। ये देखिए ये बॉडी वेट है और पीट पुट्ठा बिल्कुल चौड़ाई में, अडर के आप देख लीजिए कि करेक्टर्स कितने अच्छे हैं, बिल्कुल टाइट अडर में। और ये है बच्ची जो फर्स्ट टाइमर ही लुक देती है। इसके बाद ये जोड़ा है सेकंड टाइमर का उसका, जिनका बॉडी वेट आपको दिखाना चाहूँगा, तकरीबन 15-20 दिन का टाइम है काविंग में। तो दोनों साफ़ सुथरी काउज हैं, ये टाइट अडर की निशानी है, देखिए कितना टाइट है अडर। और 35+ सेकंड टाइमर का उसका मिल्क रिकॉर्ड का बहुत अच्छा इनका बॉडी वेट है। तो ये भी हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है इसी सारे लॉट में। फिर इसके बाद सेकंड टाइमर बच्ची आती है, देखो वाइट ब्यूटी में, किसी की ब्लैक की डिमांड होती है, किसी को वाइट में चाहिए। तो ये देखिए इसको 22 डेज का टाइम है, 22 दिन बाकी हैं अभी। और ये देखिए ऑर्डर में बहुत अभी गैप है, कोई भी लेना चाहे तो आप बुकिंग कर सकते हैं, जो जो काउज आपको पसंद है। तो ये आयरशायर दो दांत, इसकी कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, इसके साथ वाली सेकंड टाइमर भी हमारे पास अवेलेबल है, तो ये भी अच्छा ऑर्डर बना रही है। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा फर्स्ट टाइमर दो दांत में बच्ची का बॉडी वेट। इसके बाद एक गिरलैंडो में है, जो कि 1 महीना अभी डिलीवरी में बाकी है इसको, इसका बॉडी वेट बहुत ही अच्छा है, काबिले तारीफ है, अच्छी संभाली हुई है गाय, और 1 महीना डिलीवरी में बाकी है। और इसके बाद
दो गायें ये कच्ची हैं, ये अभी हम नहीं दिखाएंगे, 15 दिन में तैयार करके बेचेंगे। ये दो दांत बछड़ी है जी, अगर किसी फार्मर को रिक्वायरमेंट हो ब्लैक जर्सी में तो ये ब्लैक में है, जर्सी का साइज है बिल्कुल। और अभी स्वेलिंग डालनी शुरू की है, 10 से 12 दिन का टाइम बाकी है इसमें। फर्स्ट टाइमर बछड़ी है देख लो। तो नॉर्मली 20 से 25 लीटर की मिल्क कैपेसिटी है, तैयार हो रही है बच्ची। थोड़ा सा स्वेलिंग ऑर्डर में ज़्यादा है, इसलिए हमने कच्चे पे बांधा हुआ है इसको, मिट्टी में बांधा हुआ कि अच्छा बना जाए ऑर्डर। पर 20 से 25 लीटर नॉर्मल देगी, और सभी काउस बहुत अच्छे जेन्युइन रेट्स में अवेलेबल है। कोई भी ये नहीं है कि एक्स्ट्रा कोई किसी का रेट है। तो आपको अगर परचेज़ करनी है तो जो जो सिलेक्शन में है आपके काउस 2, 3, 4 तो आप परचेज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया गया है, और जो फार्मर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास लगे बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।